everyone, my name is Himani and welcome to my channel Wanderlust Born to Travel. And if you are thinking who's along with me, so मैं आपको बताऊंगी, but उससे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, क्योंकि आज का जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ होने वाला है. एंड शी इज माई मैम, माई मेंटोर एंड एवरीथिंग टू मी इन रेडियो. शी इज आरजे शुभी, शुभ्रा मैम. और मैंने अपनी माँ का भी दर्जा मैंने दिया है, क्योंकि ये मुझे ऑफिस में वर्किंग आर में हमेशा एक माँ की तरह इन्होंने मुझे ट्रीट किया है. सो वेलकम टू माय चैनल फर्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच हिमानी. वैसे आमतौर पर मैं दिखाई नहीं देती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सुनाई देने वाली चीज हूँ और रेडियो पर अच्छी लगती हूँ, पर हिमानी की कोई बात मैं टाल नहीं सकती, इसलिए आज किसी तरह से पकड़ के मुझे ले आई है आप सबसे बातें कराने के लिए. बिल्कुल. और आपके फैंस इतने ज्यादा खुश होंगे इस मेरी एक पहल से या मेरी मेरी चीज से. हाँ, बिल्कुल खुश होंगे. डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करना विद हैशटैग आरजे शुभी लवर्स या आरजे शुभी के फैंस. हाँ, आरजे शुभी के फैंस करके आप लोग जरूर उसमें टैग करना, ताकि इनको पता चले कि इनके फैंस कितना वेट करते हैं इनको देखने के लिए, है ना. ओके, सो आज का जो वीडियो है मैम, सो मैंने एक्चुअली एक वीडियो किया था, आपने भी देखा था, कि हाउ टू बिकम आरजे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज आती है, लाइक मुझसे पूछते हैं कि हाउ टू बिकम आरजे, तो मैंने उस पर एक वीडियो किया था. ऑल्दो मैं रेडियो की कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, शी इज एक्सपर्ट, दैट्स व्हाई मैं आज इन्हें लेकर आई हूँ. और मैं मेरी आरजे की जर्नी क्या थी वो मैंने वहां शेयर की. बट नाउ मुझे पार्ट टू बनाने का मन इसलिए हुआ बिकॉज मैं बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे एंड अराउंड 80, 90 और 100 अराउंड कॉमेंट्स है मेरे उस वीडियो पर. सो मैंने सोचा कि लेट्स डू दिस, आपके साथ इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, ये वीडियो आप जवाब दे मेरे व्यूअर्स को. वैसे तुमने जो वीडियो बनाया है आप सबने भी देखा होगा, हिमानी ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है और शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से इतने अच्छे से उसने सारी चीजें बता दी हैं उसमें कि मुझे नहीं लगता कि मेरी जरूरत यहाँ पर है. लेकिन अब नहीं, नहीं, मैं यहाँ पर रोकूंगी मैं यहाँ पर रोकूंगी. आपकी जरूरत है, बिकॉज जो जब लोगों के क्वेश्चन आते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगा मैं जितने रिप्लाई कर पाई तो मैंने उतने किए, बट उसके बाद मुझे समटाइम फील हुआ कि शायद मैंने कहीं कुछ चीजों को अच्छे से ब्रीफ नहीं किया, दैट्स व्हाई लोग मुझे रिप्लाई कर रहे हैं या मुझसे और क्वेश्चंस कर रहे हैं. सो मैंने सोचा आपसे बेहतर, बिकॉज शी इज रेडियो एक्सपर्ट, लाइक शी इज इनटू आकाशवाणी, अनाउंसर है एंड रेडियो से बहुत साल से जुड़ी हुई है मैम. एंड रेडियो की मैं इन्हें करता धरता कह सकती हूँ, लाइक हमारे यहाँ तो शी इज एवरीथिंग, रंगीला में शी इज एवरीथिंग, लाइक ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ हम इनसे पूछ के, इनसे सजेशन के बिना कभी नहीं करते हैं. सो दैट्स व्हाई मैं आज इनके साथ यहाँ पर हूँ. और बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं, हम 5 questions मैंने निकाले, इन सारे में से सेम थे क्योंकि ऑलमोस्ट, तो मैंने 5-6 questions निकाले, उनका हम यहाँ पर आंसर करेंगे, आई मीन मैम आंसर करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. सो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैंने कहा, तो पहला सवाल जो कि बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा था मैम, ये कि रेडियो जॉकी बनने के लिए क्या मास कॉम करना कंपलसरी है? हमारी मास कॉम कंपलसरी तो नहीं है, हाँ उससे आपको सपोर्ट जरूर मिलता है, लेकिन आप ये सोचो कि आप मास कॉम करोगे उसके बाद ही आपको किसी चैनल में जाने को मिलेगा या किसी एफएम चैनल में आप आओ या और कहीं भी मीडिया के किसी भी फील्ड में आप जाओ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है. अगर आप में टैलेंट है तो आप आगे बिल्कुल आ सकते हैं. मैं एग्जांपल देना चाहूँगी हिमानी का. हिमानी ने जब रंगीला ज्वाइन किया था तो उसने एचआर के रूप में ज्वाइन किया था, लेकिन जब इनसे बात होती थी या फ़ोन पे कभी बात होती थी या आमने सामने कभी बात होती थी, तो लोग बोलते थे आवाज़ जो है बहुत बेसी वॉइस है, बहुत अच्छी वॉइस है. तो हमने इनको कहा कि 1-2 VOs कभी कोई आरजे नहीं आया, तो हमने कहा हिमानी आप VO देके देखो करके, और उसके बाद इतना अच्छा लगा, फिर हमने एक वीकली शो दिया. वीकली शो में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हिमानी पॉपुलर हुई, तो फिर डेली के शो में उन्हें उतारा गया. और आज आप देखिए कि हिमानी जो है वो US कौंसल के जरिए, US कौंसलेट के जरिए ये USA भी होकर आई हैं. ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हिमानी के लिए भी, रंगीला के लिए भी. तो अगर आप स्पॉन्टेनियस हैं, अगर आप में कुछ ऐसी बात है जो लोगों से आपको अलग करती है, अगर आपको अपने शहर की नब्ज पता है कि आपका शहर कब सोता है, कब उठता है, सुबह क्या होता है, दोपहर में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, आप सब कुछ जानते हैं और आप अच्छा बोल सकते हैं, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा है, तो आप डेफिनेटली इस फील्ड में आगे आ सकते हैं.
हाँ वॉइस के लिए मैं ये कहूँगी कि बहुत जरूरी नहीं कि बेसी वॉइस हो, क्योंकि आप मेरी भी आवाज सुन रहे होंगे तो बहुत मीठी है, बच्चों जैसी वॉइस है, क्या करूँ, हाँ दिल तो बच्चा है जी यही बोल सकती हूँ. पर मैम की जो वॉइस है, मैं आप सबको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो आप कॉलर ट्यून सुनते हैं, लाइक जब फोन बिजी हो जाता है, किसी का फोन बिजी आ रहा है, तो उसमें जो आवाज रिलायंस में आई थिंक है ना, जो सुनाई देती है, वो मैम की है. जेन नंबर ला आप लगाए हो. ओ हाँ भी व्यस्त थे, कृपया कतार में बने रहो या थोड़ी देर बाद कोशिश करो. सो देखिए, आप लोग अब जब भी आवाज सुनेंगे आप इन्हें जरूर याद करेंगे. तो थैंक्स टू मी कि मैंने इनको यहाँ पर लेकर आई और आप सबसे रूबरू करवाया है. बाकी थैंक्स टू मैम कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए, हमारे चैनल के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला एंड यहाँ पर अपीयर हुए हैं. और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, ये भी बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा है कि क्या कोई स्पेशल कोर्स है आरजे बनने के लिए हमारे इंडिया में स्पेशली. हाँ, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं. जैसे अगर आप आकाशवाणी को देखेंगे, क्योंकि आकाशवाणी से ही शुरुआत हुई है, चाहे वो एफएम की हो या दूरदर्शन भी बाद में आया, तो बेस तो आकाशवाणी ही रहा. तो एक वाणी सर्टिफिकेट कोर्स होता है आकाशवाणी की तरफ से जो करवाया जाता है, वो 5 डेज का होता है. आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है और बहुत बारीकी से सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं. इसके अलावा आप दिल्ली में अगर हैं तो वहाँ पर नोएडा में आइजोम्स एक इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर हमारी भी ट्रेनिंग हुई थी, करीब एक मंथ की वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग हुई थी, आरजे ट्रेनिंग. तो वहाँ आप जाके सीख सकते हैं. रायपुर छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता यूनिवर्सिटी है, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, आप वहाँ पर एडमिशन लेके, वहाँ पर एक पूरा कोर्स है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, वो आप कर सकते हैं. और एक माइका है अहमदाबाद में, मुद्रा इंस्टीट्यूट. अच्छा, तो वहाँ वो भी बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर से भी आप सीख सकते हैं. तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं और अब तो छोटे छोटे शहरों में आरजे के लिए अलग से भी कुछ इस तरह के इंस्टीट्यूट बनाए जाने लगे हैं, जो वहाँ के लोकल लोग या कहीं से वो टाई अप कर लेते हैं किसी इंस्टीट्यूट से, तो आपको अपने शहर के आसपास भी ऐसे इंस्टीट्यूट मिल सकते हैं. बिल्कुल, अगर मुझे भी इन जिन इंस्टीट्यूट के नाम मैम ने बताए हैं, मैं सर्च करूंगी एंड उसकी लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करूंगी, सो दैट कि आप लोगों को इजी हो सर्च करने में कि जिन जगहों के बारे में, जिन इंस्टीट्यूट के बारे में मैम वाज टॉकिंग अबाउट. सो ये तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 2 सवाल थे, और भी ऐसे 3 सवाल है हमारे पास. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो तीसरा जो सवाल है मैम, वो ये भी बहुत बार पूछा गया लोगों ने, बहुत बार मुझसे पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया कि मैंने बीकॉम कर लिया है या मैंने इंजीनियरिंग कर ली है, क्या अब इसके बाद मैं कोई पोस्ट ग्रेजुएशन लाइक जर्नलिज्म में कर लूँ या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ऐसा कोई ऑप्शन है? सीधे पोस्ट ग्रेजुएशन तो नहीं हो, डिग्री नहीं मिलेगी आपको, मे बी कहीं डिप्लोमा आपको मिलता हो, लेकिन डिग्री तो सीधे नहीं मिलेगी पीजे की. आपको पहले बैचलर डिग्री लेनी पड़ेगी, देन आप मास्टर्स डिग्री पे जाएंगे, जैसा कि मैंने कहा, मैंने किया है. मैंने पहले BJMC किया है और उसके बाद फिर मैंने MJMC किया है. लेकिन नोएडा की जैसे मैं बात कर रही थी, तो वहाँ पर 1 मंथ का आरजे के ऊपर वो एक 1 मंथ का कोर्स चलाते हैं, तो वो कोर्स आप कर सकते हैं. कहीं पर ये कोर्स 3 मंथ्स का होता है, लेकिन ये डिप्लोमा कोर्स होगा, इसके लिए आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं. बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ वॉइस ट्रेनिंग के कोर्सेज चलते हैं, लेकिन वो ऐसे डिग्री कोर्स नहीं होंगे, डिप्लोमा ही होगा उसमें. तो अगर आप पूरी तरह से इस फील्ड में जाना चाहते हैं और आगे आरजे में या और भी बहुत सारे, रेडियो है तो सिर्फ आरजे बनने वाली बात नहीं, बहुत सारे काम होते हैं रेडियो में, कॉपी राइटर होते हैं, है ना, और आपका सेल्स का फील्ड होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं. आप म्यूज़िक, अगर आपको नॉलेज अच्छा है तो एक शेड्यूलर की पोस्ट होती है जो म्यूज़िक शेड्यूल करता है, है ना, इसी तरह से एक पोस्ट होती है साउंड इंजीनियर की, है ना, प्रोमो प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं. आप एंट्री किसी भी तरफ से कीजिए, अगर आप में टैलेंट है और पैशन है और जुनून है, आप क्रेजी हैं बहुत ज़्यादा, तो आप आरजे बन सकते हैं.
इसके साथ मैं एक छोटी सी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी. लाइक आपको भी पता है कि मेरे पेरेंट्स पहले मुझे अग्री नहीं कर रहे थे आरजे बनने देने के लिए. पर हाँ, मेरे अंदर जो रेडियो का कीड़ा था ना, जब रेडियो रायपुर में आया, एफएम की शुरुआत हुई, तो मतलब मैं इतनी क्रेजी थी रेडियो के लिए. लाइक मैं हर क्वेश्चन के जवाब देती थी फोन लगा लगा कर. पापा मुझे बोलने लगते थे कि हिमानी तुम्हारी वजह से घर के फोन के बिल ज्यादा आ रहे हैं, तुम इतना घंटों घंटों फोन में कतार में लगी रहती हो उनसे बात करने के लिए, किसी और के फोन नहीं आ पाते हैं. तो मैं इतनी ज्यादा क्रेजी थी. और कहते हैं ना, जिस चीज को शिद्दत से चाहो तो कहीं कायनात पूरी आपको उससे मिलाने में साजिश में लग जाती है. तो लाइक दैट मेरे साथ तो ये हुआ है यार, लिटरली. और अगर आप भी वैसे हैं तो बहुत सारी चीजों को थोड़ा छोड़ना पड़ता है किसी चीज को पाने के लिए. तो कुछ चीजों के सेक्रीफाइस तो नहीं कहूंगी, बट हाँ, कॉम्प्रोमाइज कुछ चीजों में करना पड़ता है. फिर उसके बाद आगे चल के जो आपको एक वो सुकून मिलता है ना, कि आपने जो चाहा वो आपको मिल गया. और जो हिमानी ने कहा कि रेडियो सुनती थी, तो आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं ना, उसके बारे में थोड़ी जानकारी रखिए. बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि ऑडिशंस में लोग आते हैं, उनसे पूछा जाए कितने एफएम चैनल हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि कितने एफएम चैनल हैं. तो आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हो या कभी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आप थोड़ा सा पहले से थोड़ा जान के, क्योंकि सुनेंगे जितना उतना आप सीखेंगे. रेडियो सुन के बहुत कुछ सीखा जा सकता है. तो रेडियो सुनना बहुत जरूरी है अगर आप इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं. आप जिस भी सिटी में हैं उस जगह के एफएम को आप सुनिए, रेडियो को, आकाशवाणी, जितने भी आप रेडियो मतलब जो भी सुन सकते हैं बिल्कुल सुनिए. तो क्योंकि इसमें बहुत संभल के बोलना पड़ता है. तीर एक बार निकल गया तो वो वापस नहीं आता, और सॉरी बोलने की जगह नहीं होती है. तो रेडियो के लिए मुझे लगता है कि क्या बोलना है ये सीखने के पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या नहीं बोलना है. आप पहले ये सीखे कि क्या नहीं बोलना है, तो आप क्या बोलना है वो तो सीख ही जाएंगे. बड़ी अच्छी गहरी बात थी, बट सही बात है. मैंने जब मतलब हम लोग शो करते थे तो मैम से हम लोग कभी कुछ गलत ना निकल जाए ये हमने मतलब वो छोड़ दिया था. हमने ये था कि ये नहीं बोलना है. मैम ने हमको यही समझाया था कि ये नहीं बोल सकते, बाकी तुम सब बोलो अच्छे से, पॉजिटिव शो करो, एनर्जी से भरा शो करो, सबको मतलब स्माइल आ जाए वैसा शो करो. किसी को चोट पहुंचे ऐसी कोई बात, या तुमको सॉरी बोलना पड़े वैसी कोई बात मत करो. So this is all about radio positivity से भरा हुआ है यार रेडियो, definitely. And अगला जो question है मैम, वो तो मतलब by God इतना पूछा है लोगों ने कि salary कितनी होती है एक आरजे की. मतलब लोगों का सबसे ज्यादा सवाल मुझसे भी पहले आता था, हिमानी तुम्हारी सैलरी कितनी है, हिमानी तुम इतना ज्यादा अच्छे से घूमती हो, तुम इतना सब इंजॉय करती हो, तुम्हारी सैलरी है कितनी, क्या मतलब कैसे है? तो आप क्या बताएंगे उस चीज को? देखिए, सैलरी का भी अलग अलग चैनल में सैलरी आपकी अलग अलग हो सकती है. फ्रेशर्स की सैलरी अलग हो सकती है, अलग अलग सिटीज में आपकी सैलरी हो सकती है. सी और डी ग्रेड की जो सिटीज हैं, हो सकता है वहाँ पर आरजे की सैलरी बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन आप मेट्रोज में जाएंगे तो वहाँ लाखों में सैलरी हो सकती है. मतलब इतनी कि आप वहाँ से एक फ्लाइट पकड़ के दूसरे स्टेशन पे जाके शो करके आ जाएं और फिर अपने स्टेशन पे कमाल दिखाएं, तो आप सोच नहीं सकते. अगर आप अच्छा कर रहे हैं और धीरे 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 आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी सैलरी मतलब कोई उसका ओर छोर नहीं है. मैं ये कहना चाहूंगी. लेकिन हाँ, छोटा शहर है और अगर आपके जो स्टेशन है उसकी जो पॉलिसी है उसके हिसाब से भी कुछ आपकी सैलरी फिक्स होती है. तो इस हिसाब से स्टार्टिंग में आप सोचिए कि 10,000-12,000 से स्टार्ट होके आगे तो लाखों में जा सकती है. बिल्कुल. अगर आप सैलरी पे ध्यान ना दें, अपने काम पर ध्यान दें, तो जरूर आपकी सैलरी लाखों तक पहुंच सकती है. डेफिनेटली. क्योंकि हम लोगों ने साथ में ये चीज बहुत, हम कई बार मैं मैम के साथ बैठती हूँ, बहुत सी बातें सीखने मिलती है. तो हम लोग कई बार लोगों से मिलते हैं, नए जो यूथ हैं जो ग्रेजुएशन पास करके आए हैं, एंड वो लोगों को एकदम 2 महीने में आरजे बनना होता है. लेकिन उनमें पेशेंस नहीं होता है. पेशेंस की बहुत जरूरत है. बहुत जरूरत. और लोगों में मतलब मैं ये नहीं कहूंगी आज की जनरेशन, वो कोई भी हो सकता है, इंसान होता है ऐसी. तो कई लोगों में ऐसा होता है कि हमको बस आज आरजे बन गए, हमारी सैलरी तुरंत 50,000-40,000 मतलब ग्लैमर दिखता है क्योंकि लोगों को. तो जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए हर बंदा या बंदी अलग, हर अलग फैमिली बैकग्राउंड से आता है. जैसे मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से रही होंगी, हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं पीछे, या मेरी जो को आरजे रही होंगी उसके पेरेंट्स उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो अपनी लाइफस्टाइल ग्लैमरस दिखा पाती है. कई लोग होते हैं जो थोड़ा, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड इतना नहीं है, वो घर पे भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो ज्यादा ग्लैमरस तरीके से या फिर वैसे उस तरीके से नहीं लाइफस्टाइल को कैरी करते हैं. तो आप ये नहीं कह सकते कि इनकी सैलरी कम है या इनकी ज्यादा है. वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है.
हमारे यहाँ बहुत सारे आरजेज ऐसे हैं जो यहाँ से निकले हैं, दूसरे स्टेशन पे गए, उनमें से एक आरजे तो अब्रॉड में भी जाके वो कर रहा है. यहाँ पर उसकी सैलरी क्या थी, कैसी थी, लेकिन डेडिकेशन उसका इतना ज्यादा था कि वो अब्रॉड में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है. तो सीखना बहुत जरूरी है, और सीखने की जो छूट है आपको सिंगल स्टेशन में जितनी मिलती है ना, उतनी आपको नहीं, बाकी हर जगह पॉलिसी है ऐसा करना है ऐसा करना है. सिंगल स्टेशन में आपको बहुत सारा फ्रीडम होता है, आप बहुत कुछ अपने मन से कर सकते हैं. हाँ, एक बार चेक करवाइए, ऐसा नहीं कि बोलना तो कुछ भी बोल दिए, वो आपको चेक करवाना है. लेकिन डेडिकेशन और पैशन और पेशेंस, तीनों चीज बहुत जरूरी है. रेडियो, मीडिया, मैं बोलूंगी रेडियो के लिए तो स्पेशली, क्योंकि रेडियो में थोड़ा सा ज्यादा एंकरिंग एंड ऑल में फिर भी आप बोल सकते हैं कि जल्दी से आप सामने आ जाते हैं अगर आप लाइक यू लुक गुड. और लड़कियों के लिए बेसिकली, लड़कों में भी अच्छे दिखते हैं तो आपको पढ़ना लाइक सिखा दिया जाता है, सो बहुत क्विक हो जाता है. बट रेडियो इज नॉट ऑल अबाउट क्विक वाली चीजें, उसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है, क्योंकि रेडियो में आप अपनी आवाज से और अपने बोलने से एक पूरा जो माहौल क्रिएट करते हैं ना, एक पूरा सीन क्रिएट करते हैं. आप कितना जोड़ पाते हैं दूसरों को खुद से, रेडियो से, मतलब कभी भी आप बात करें तो माइक को अपना फ्रेंड बना के बात करें, आपको लगे कि हाँ मैं बोल रही हूँ या मैं बोल रहा हूँ, ये सुन रहा है, ये हमारे लिसनर हैं. तो उससे जो कनेक्टिविटी बनेगी वो आपको लिसनर से भी जोड़ेगी और खुद को भी करने में मजा आएगा, शो को आप इंजॉय कर पाएंगे. ओके, सो नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन. आखिरी सवाल है, तो उस सवाल में लोगों ने, मतलब ये वाला भी बहुत ज्यादा पूछा गया है, मैंने इसके बारे में पहले वीडियो में भी जिक्र किया था, बट इतना मैं शायद ना बता पाई हूँ, जो आप अगर कुछ उसमें से चीजें और लेना चाहते हैं तो लाइक आरजे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, एक आरजे को करना क्या होता है, क्योंकि लोग बहुत बोलते हैं आरजे का काम क्या है, सिर्फ बोलना है. यस, ये जो है एक जो पर्दा लोगों की आंखों में है या कानों में है, है ना, लोगों को ये लगता है कि आरजे करता क्या है, स्टूडियो में जाके बैठता है, दो चार फोटो वोटो अपलोड किया क्लिक करके, और शो करना है, माइक पकड़े, बोल दिए जो बोलना है, उसका ड्यूटी खत्म, अपना बैग उठाए और चले गए, घर चले गए, दो घंटे तीन घंटे चार घंटे का शो करना है, और क्या करना है. और एक चीज, हाँ ये भी बोलते हैं कि लाइक तुम्हारा तो चार घंटे का शो होता है, फिर उसके बाद तुम ऑफिस में क्या करती हो, घर क्यों नहीं आ जाती. हाँ वही कि लोगों को ये लगता है कि शो के बाद एक आरजे का काम खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है. उस शो के पीछे आरजे की कितनी मेहनत होती है और प्रोड्यूसर्स की कितनी मेहनत होती है वो आप सोच भी नहीं सकते. आपको एक एक शब्द बहुत संभल के बोलना है, बहुत क्रिस्प बोलना है. मैटर बहुत लंबा हो सकता है लेकिन आपको उसको कम से कम शब्दों में, और ऐसे शब्द जो सीधे आपको छू जाए, मतलब उसमें कुछ कुछ ऐसा बनावटीपन ना हो, है ना, उसमें जो बात है बहुत ही क्रिस्प तरीके से आप तक पहुंचे, क्योंकि बहुत लंबी चीजें लोग सुनते नहीं है, वो चैनल चेंज कर देते हैं. तो कम शब्दों में आपको बोलना है, पूरी बात पहुंचाना है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. तो आपको एक प्रेप शीट बनानी पड़ती है, आपको इंटरनेट पे सर्च करना पड़ता है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, है ना, उस दिन के क्या चीजें हैं जिसको आप अपने शो में ले सकते हैं, आपको टॉपिक डिसाइड करना पड़ता है, प्रेप शीट बना के आपको चेक करवाना पड़ता है. ओके हो गया तो आपको स्टूडियो में जाने मिलेगा, कैंसिल हो गया तो भाई कट, आपको फिर से मेहनत करनी है. तो ये सारी चीजें हैं. उसके अलावा वॉइस ओवर्स होते हैं, जो एड्स आप सुनते हैं रेडियो पे, तो आरजे वॉइस ओवर करता है. इसके अलावा आपको कभी भी भेजा जा सकता है किसी भी इवेंट में, वहां जाके आपको एंकरिंग करनी है, आपको स्टेज संभालना है, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ता है. किसी सेलिब्रिटी कोई आया है तो आपको इंटरव्यू लेने भेजा जा सकता है. कोई अगर सेल्स वालों की कोई मीटिंग है, कुछ लॉन्चिंग हो रही है तो वहाँ कॉन्फ्रेंस है, कुछ लॉन्च हो रहा है तो वहाँ आपको भेजा जा सकता है. मतलब पूरे टाइम आरजेस बिजी रहते हैं और घर पहुंच के भी चैन कसम से नहीं होता है कि अगले दिन क्या टॉपिक लेंगे, अगले दिन क्या करना है, वो सोचते रहते हैं. तो आरजेस की लाइफ जो है ना, ऊपर से बहुत ग्लैमरस है, लेकिन उसके लिए मेहनत, पूरा उनका डेडिकेशन, पूरी मेहनत बहुत जरूरी है. और जो लोग करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जैसे हिमानी. और डेफिनेटली आपको छुट्टी भी बहुत कम मिलती है, बिकॉज आपका मंडे टू, मेरा जब, मैं जब आरजे थी तो लाइक अभी भी हूँ, बट अभी हमारा शो लाइक नहीं चल रहा है, वो एक अलग टॉपिक है. बट हाँ, तो हमारा मंडे टू सैटरडे शो होता था, तो एक दिन सिर्फ संडे मिलता था. उसमें भी फ्रेंड्स भी आपसे नाराज, फैमिली भी आपसे नाराज, फिर उसके बाद अगर आपके कोई स्पेशल वंस हैं आपके लाइफ में तो वो भी आपसे नाराज, तो आप किस किस को खुश करो. लाइक आरजे की लाइफ बाहर से दिखने में बहुत हैपनिंग होती है, सब कुछ अच्छा होता है, बट उनको अपनी लाइफ में बैलेंस बहुत, क्योंकि हमारा 9 to 5 वाला जॉब नहीं है.
हमारा जो जॉब होता है 24/7 राइट जॉब है, क्योंकि आप आरजे हो, आपकी आवाज की जरूरत कहाँ किस जगह पर पड़ गई, तुमने शो रिकॉर्ड करके अगर मान लो मैं किसी शादी में चली गई हूँ उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है तो मुझे वहां से वो लिंक फिर से रिकॉर्ड करके भेजनी पड़ेगी अगर मैं नहीं आ सकती तो. इफ मैं रायपुर में हूँ तो मैं रायपुर से आकर फिर से मुझे करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं रिकॉर्ड करके फिर से मैं मेल करूँ वो यहाँ फिर से पैकेज होगा, बिकॉज रेडियो में गलत चीजें नहीं जा सकती. तो ये बहुत जरूरी है कि आरजेस जो है ना उनको छुट्टियां बहुत मुश्किल से मिलती है, बाकी सब छुट्टी ले लेते हैं, आरजेस को नहीं. आरजेस को अपना शो रिकॉर्ड करके ही जाना है अगर छुट्टी पे जा रहे हैं तो, क्योंकि दूसरे आरजेस संभालेंगे, लेकिन अगर आप लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं तो आपको कुछ तो अपनी तरफ से करके जाना होगा ना, क्योंकि एक पर्सन दो दो तीन तीन शो तो कर नहीं पाएगा. और आपके खासतौर से फेस्टिवल, फेस्टिवल के टाइम पे खासतौर से ये होता है कि छुट्टियां सबको जरूरी है, फेस्टिवल में देनी पड़ती है, राइट है ना. तो ये बहुत ही मजेदार चीज है कि लोगों को लगता है कि आरजेस करते क्या है, लेकिन सब कुछ आरजेस ही करते हैं, सब कुछ. आपके स्टेशन की पहचान आरजे से होती है, सबसे बड़ी बात. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये जो हम मैम भी आरजे थे, मैं भी आरजे हूँ, तो लाइक मैम भी अभी भी मतलब शो करने, मुझे लगता है इन फ्यूचर कभी ऐसा मौका मिलेगा तो हम दोनों मिलके कभी एक चुगली शो करेंगे. चुगली तो नहीं कर सकती, मैं भी मैम के जैसा शो तो नहीं, 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 नहीं हाँ, कुछ चेंज करके हम कुछ जरूर करेंगे. तो ओके, दिस इज इट फॉर टूडेज वीडियो गाइज. आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करे आपके लाइफ में, अगर आप मीडिया में आगे जाना चाहते हैं, रेडियो में आगे जाना चाहते हैं. एंड मैम लास्ट आप एक बेस्ट विशेस लोगों को दे दीजिए जो लोग आरजे या फिर मीडिया फील्ड से जुड़ना चाहते हैं. हाँ, वो इस वीडियो में हमने कई बार बोला है कि मीडिया में जो आना चाहते हैं, पहली चीज डेडिकेशन, दूसरी चीज डेडिकेशन, तीसरी चीज डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. या मान के चलिए आपका टैलेंट आपको आगे बढ़ा सकता है, लेकिन अगर आप उस फील्ड में पूरी तरह से मतलब डूबेंगे नहीं तो आप आगे तैर के पार नहीं निकलेंगे. ऊपरी तौर पे मत करिए, पूरा डूब के काम करिए. डेडिकेशन पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सारी चीजें हैं, आपकी मेहनत ही आपको आगे बढ़ाएगी. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू गाइज, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग देख आगे बनना चाहते हैं आज, सबको ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम मी और मैम के साइड से भी. सबको ऑल द बेस्ट एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टाटा, बाय बाय एंड